नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके आर्टिकल्स को पढ़ना या समझना, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम जो बढ़िया आर्टिकल्स होते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के, उनको लेकर आते हैं। हमारा मानना है कि जो रियल इन्फॉर्मेशन है और अंडरस्टैंडिंग है देश के बारे में, विदेश के बारे में और इकोनॉमी के बारे में, वो बिजनेस न्यूज़पेपर से आती है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हम सीखते हैं कि किस तरीके से बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को पढ़ना है और उनके कॉज और उनके इफेक्ट को एनालाइज करना है, क्रिटिकली कैसे सोचना है। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। हायर एंड हायर इंडिया मार्केट कैप रीचेस $4 trillion। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडिया मार्केट कैप की, जो $4 trillion है। क्या ये इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है? क्या ये GDP का डेटा है? $4 trillion इकोनॉमी क्या है ये? लेट्स एनालाइज दिस। तो यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया हैज जॉइन एन एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट इंक्लूड द लाइक्स ऑफ US, चाइना, जापान। एक एक्सक्लूसिव ग्रुप में अब हम आ गए हैं, इंडिया आ गया है, जहाँ पे ऑलरेडी कौन कौन सी कंट्रीज हैं? US है, चाइना है, जापान है। जब हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये वर्ड कई लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन उसने हिट किया है $4 trillion मार्क ऑन Wednesday। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन BSE ड्यूरिंग द डे इंक्रीज बाय 2.24 trillion रुपी। तो अब आपको हिंट मिल गया होगा कई लोगों को, अब मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक मार्केट कैप एक कंपनी के लिए क्या होता है, मान लीजिए आप बनाते हैं पेंसिल्स, राइट? और पेंसिल्स बनाने में टोटल मार्केट कैप जो है इंडिया में, टोटल पेंसिल कितने बिकते हैं? मान लीजिए टोटल पेंसिल्स बिकते हैं 100 करोड़ के। तो ये 100 करोड़ टोटल पेंसिल की जो इंडस्ट्री है उसका मार्केट कैप है, ठीक है? और इसमें आपका जो वैल्यू है, आपकी कंपनी का वैल्यू अगर 40 करोड़ हो रहा है, लेट्स से 40 करोड़ का आपका रेवेन्यू है, राइट? तो आपका यहाँ पे 40 करोड़ का मार्केट कैप है। अब ये डिफरेंशिएट भी करता है, अगर इसको, ये बहुत ही सिंपल टर्म से बता रहा हूँ। यूजली मार्केट कैप फिर क्या हो जाता है, टोटल रेवेन्यू पे नहीं लेते, टोटल वैल्यूएशन पे लेते हैं, ठीक है? तो इसको जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए ये सीखना, ये समझना ही बेटर है, इस एग्जाम्पल पे जाना, जो स्टॉक मार्केट में नहीं है। जो स्टॉक मार्केट में है मुझे लगता है कि उन्हें ऑलरेडी पता होगा, तो ये इससे जो बेटर एग्जाम्पल है वो उनके पास है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लेट्स से 100 करोड़ की पेंसिल बिकती है, ठीक है, लेकिन जो टोटल इंडस्ट्री है पेंसिल की, उनकी वैल्यू 1000 करोड़ है, ठीक है? क्योंकि आप किसी भी कंपनी को देखिए, उनकी जो वैल्यू होती है उनके रेवेन्यू से ज्यादा होती है। एप्पल की वैल्यू $3 trillion है, तो क्या वो $3 trillion का रेवेन्यू जनरेट कर रही है एक साल में? नहीं कर रही है, राइट? यूजुअली रेवेन्यू का 10x कर देते हैं, यूजुअली एक एग्जांपल ले तो उस वो वैल्यूएशन निकल जाती है, 10x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से 1000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप, जिसे हम कहेंगे जो टोटल इंडस्ट्री की वैल्यू है, सारी कंपनी की वैल्यू को अगर आज आप खरीदने जाएं, सारी कंपनी को खरीदने जाएं, तो और उसमें आपकी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है, तो वो है आपका मार्केट कैप। वैसे अब इंडिया की बात हो रही है, इंडिया को एक कंपनी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? अलग अलग कंपनीज है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, ठीक है? और यहाँ पे जब टोटल मार्केट वैल्यू देखी जाए तो इंडिया की जो वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी हमारी लिस्टेड कंपनीज है, जो भी शेयर बाजार में लिस्टेड है, उनके मार्केट कैप को आप टोटल कर दीजिए, तो वो हो गई है $4 trillion से ज्यादा, ठीक है? तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट क्या है, 83.31 के हिसाब से। तो ऑफ कोर्स अगर ये कम होता तो हमारी वैल्यू और ज्यादा होती, राइट? अगर रुपी ज्यादा स्ट्रांग होता तो, बट ये बात की बात है। तो अब देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही बेहतरीन जंप आया है। निफ्टी जो इंडेक्स है हमारा, एक उसने 1000 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट दिखाई है सिर्फ नवंबर के मंथ में, जो कि अक्टूबर का महीना इतना अच्छा नहीं था। तो अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इंडिया हैज रिकॉर्डेड सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोथ इन डॉलर टर्म्स। सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोथ हमने शो किया है जो टॉप 10 कंट्रीज है मार्केट कैप के हिसाब से। याद रखिए ये GDP नहीं है, ये है मार्केट कैप आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इन 2023। की ड्राइवर क्या रहे हैं, क्यों ग्रोथ हुई है मार्केट कैप की, शेयर बाजार क्यों बढ़ा है? ये बढ़ा है क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी रही। अर्निंग सीजन अभी गया है, हर क्वार्टर आता है अर्निंग, ठीक है? हर 3 महीने पे कंपनीज अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर करती हैं कि भाई कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, क्या ये पहले से बेटर था, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है, क्रूड ऑयल है, राइट? जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, क्रूड ऑयल हो गया, इसराइल हमास वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया US के, ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। डोमेस्टिक फ्लोज मतलब क्या हो गया, फ्लो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पैसे के फ्लो की बात हो रही है, मनी फ्लो,
आप देखिए कितने लोग एसआईपी कर रहे हैं हजारों करोड़ों का, एक महीने में हम लोग हजारों करोड़ के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं शेयर्स बाय कर ले रही हैं, हर प्राइस पे बाय कर रही हैं। कैसे? ये पैसा हम उन्हें दे रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक फ्लो की बात होती है। और एक शार्प रैली हुआ है स्मॉल कैप और मिड कैप, जो छोटी कंपनियां, जो मीडियम साइज कंपनी, उन्हें हम स्मॉल कैप और मिड कैप कहते हैं, तो उनमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो ये रीजन है कि इंडिया ने क्रॉस किया है $4 ट्रिलियन का मार्क मार्केट कैप के फैक्टर में, टर्म्स में। तो ओवरऑल हमारा मार्केट कैप बढ़ा है 18% इस साल, और अच्छा खासा ग्रोथ जो भी निवेश जिसने भी किया है उसका ग्रोथ हुआ होगा इस साल, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। बायजूस वैल्यू कट टू बिलो $3 बिलियन फ्रॉम $22 बिलियन इन 2 ईयर्स। बायजू जिसका वैल्यूएशन $22 बिलियन हुआ करता था, मतलब आप 83 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि इसकी वैल्यूएशन कितनी, लिस्टेड कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो प्रॉफिट कमा रही है उससे भी ज्यादा थी, और 2 साल में ये आ गई है 3 बिलियन पे। मतलब इतनी बड़ी गिरावट और कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ा होगा बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस को। नीदरलैंड बेस्ड टेक इन्वेस्टर प्रोसेस हैज मार्क डाउन इट्स इन्वेस्टमेंट इन बायजूस विच ब्रिंग्स द वैल्यूएशन ऑफ बिलीगर्ड एडटेक पेयर टू अंडर $3 बिलियन। तो नीदरलैंड बेस्ड एक टेक इन्वेस्टर कंपनी है जिसने बायजू के जो वैल्यूएशन है उसको मार्क डाउन कर दिया है, और इसका वैल्यूएशन अब $3 बिलियन पे आ गया है उसकी वजह से। और ये 86% नीचे है अपने पीक वैल्यूएशन से, जो $22 बिलियन का वैल्यूएशन था। तो यहाँ पे सिर्फ 2 साल में इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इन्वेस्टर्स के लिए एंड बायजू के स्टेक होल्डर्स के लिए भी। और यहाँ पे आप देखें कि कई सारे रीजंस देखे गए हैं। इनका कहना है कि वी हैव रिटन डाउन आर इन्वेस्टमेंट इन बायजू बाय फर्दर $315 मिलियन, जो कि बायजू को वैल्यू कर रहा है $3 बिलियन पे, और ये 10% से कम ओन करते हैं बायजू में। तो अच्छे खासा इनका शेयर था, ठीक है, और ये इन्हें राइट ऑफ करना रख पड़ा। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट फर्म सिर्फ एक नहीं है मैं आपको बता दूं, और इसीलिए रीजन है कि अगर आप देखें हमारे पेंशन फंड्स को और LIC को और जितने भी हैं, ये कभी भी इस टाइप की कंपनीज में निवेश नहीं करते, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बायजू 22 बिलियन पे होगा तो किसी ने शायद इस पे 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे भी पैसे डाले होंगे, 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे भी पैसे डाले होंगे, राइट। लेकिन वहां पे ऐसी कितनी कंपनीज है जो आप 10 करोड़ पे ले और उसकी वैल्यू हो जाए $22 बिलियन, राइट। और LIC जैसी कंपनीज और जितने भी हमारे जो पेंशन फंड्स हैं और ये हैं, वो इसलिए अवॉइड करते हैं ऐसे स्टार्टअप्स को इस वैल्यू पे निवेश करने के, क्योंकि इनका जो वैल्यूएशन है ये कुछ भी आप बना सकते हैं, एज किसी भी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक पेंटिंग है, उसकी वैल्यू क्या है, जो भी बिडर पे करने के लिए तैयार है, कोई भी बिडर उसके लिए जो भी पे करने को तैयार हो वो उसकी वैल्यू है। बाकी क्या उसमें कोई कैश फ्लोज हैं, क्या उसके कोई P&L स्टेटमेंट है, कोई ऐसी चीज है जिससे आप वैल्यू कर सकते हैं, एसेट्स है नहीं। तो वैसे ही ये टेक स्टार्टअप्स होते हैं, इनके पास एसेट्स नहीं होते, राइट। जो भी होता है इनके पास वो होता है एक फ्यूचर का प्रोजेक्शन। अगर 1 साल बहुत अच्छा करते हैं तो उसी के वैल्यू पे वो 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना भी रेवेन्यू के दम पे सिर्फ वैल्यूएशंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही केस कई लोगों को जोमेटो के बारे में भी लगा था, स्विगी के बारे में भी लगा था, लेकिन इन कंपनीज ने अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म किया है। तो ऐसे सारे स्टार्टअप्स बेकार नहीं होते, खराब नहीं होते ऑफ कोर्स, लेकिन इनमें निवेश करना, जी हाँ, बहुत ज्यादा रिस्की है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। गवर्नमेंट लॉन्चेस क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन ड्रिल, कलेक्टिव वैल्यू ऑफ दीज ब्लॉक्स इज नियरली 45,000 करोड़। किस चीज के बारे में बात हो रही है? क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे देश के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक क्रिटिकल एसेट हम इसे बोलेंगे। कौन कौन से एसेट्स हैं ये अभी जानते हैं इनके बारे में। जो लोग मेटल माइनिंग के फील्ड से हैं, मुझे लगता है उन्हें तो ऑलरेडी इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तो मैं आपको कोर जो चीज है इसके बारे में नॉलेज नहीं दे पाऊंगा, हम फोकस करते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। तो इंडिया ने ट्यूजडे को इनिशिएट किया ऑक्शन 20 ब्लॉक्स का, जहां पे क्रिटिकल मिनरल्स हमने डिफाइन किए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स में क्या आ जाते हैं? लिथियम रिजर्व्स, जो हमारे देश के लिए ना स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये ऐसा एसेट है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, तो उनकी हम माइनिंग शुरू कर रहे हैं। अब जैसे लिथियम, राइट,
आगे जाके हो सकता है लिथियम पेट्रोल डीजल की तरह हो, जैसे आज गल्फ कंट्रीज के पास ऑयल है, वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जो हमारे पास नहीं है। तो वैसे ही हो सकता है फ्यूचर में जब ईवी चले, जब सोलर एनर्जी यूज हो, तो लिथियम रिजर्व जो है ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट हो इंडिया के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट हो, ऑयल हो फ्यूचर के, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और यूनियन कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने कहा है कि इनकी जो टोटल वैल्यू आई होगी 45,000 करोड़। बिसाइड्स लिथियम, क्रिटिकल मिनरल्स क्या क्या है, टाइटेनियम है, बॉक्साइट है, इसके बाद ग्लोकेनाइट है, निकल है, क्रोमियम है, पोटाश है, कॉपर है, ग्रेफाइट है, मैंगनीज ओर, तो काफी सारे हैं। देखिए तो आप ये देखेंगे जितने भी मेटल्स हैं एक्चुअली काफी, इन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं यहाँ पे, या फिर देखिए प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स, और यहाँ पे ये टर्म आ रहा है रेयर अर्थ मेटल्स। तो जरूर ध्यान रखिए अगर आपसे कोई पूछे रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन से हैं, और इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पर यूज किया जाता है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होते हैं, डिफेंस में यूज होते हैं, और एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं। और आगे जब ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं और सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, वहां पे ये जो मेटल्स हैं रेयर अर्थ मेटल्स की डेफिनेशन में जो आते हैं, इन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए इन्हें कहा गया है क्रिटिकल एसेट, हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स। तो इनका अब जो अभी देखिए जो ऑक्शन है मिनरल ब्लॉक का ऐलान करता है इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। अभी 2 दिन पहले बात हो रही थी हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में, नेट जीरो टारगेट क्या है, नेट जीरो, नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक हमने बोला है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिट करेंगे। पोल्यूशन की यहां बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स ये जो मेटल्स हैं ये हमारी इसमें मदद करेंगे, क्योंकि हमें अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है, ईवी पे शिफ्ट करना है, तो देखिए माइनिंग तो नहीं रुकने वाली, लेकिन हम कह सकते हैं कि ईवी पे शिफ्ट करने के लिए हमें ये सैक्रिफाइस करना होगा कि हमें ये मेटल्स माइन करने होंगे और इन्हें यूज करना होगा रादर देन जो हम कन्वेंशनल सोर्सेज यूज कर रहे हैं उसे। तो लेट्स सी, काफी चीजें ऐसी हैं कि हमें ये लग रहा है कि अब ये सही है, ये करना सही होगा, लेकिन आगे जाके हमें पता चलेंगे कि क्या ये वाइबल है या नहीं, क्योंकि आप कोल माइन करते थे, अब आप ये मेटल्स को माइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करें रादर देन कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके और फिर ईवी को चार्ज करना, इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। एंड हमारा जो कार्बन न्यूट्रल होने का जो टारगेट है 2070 तक का, इट डजेंट रियली हेल्प अ लॉट अगर हम इस तरीके से करेंगे काम को। तो यहां पर लेट्स सी, आगे देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है, अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये न्यूज है, कौन सी कंपनीज हैं ऐसी इंडिया में इस वक्त जो यहाँ पे इस ऑक्शन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए हमारे पास, राइट, जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है माइनिंग का। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब जिस कंट्री के पास पहले से ही बहुत ज्यादा डेट है, ओवर डेटेड कंपनी है, वो कहां से यहाँ पे पैसे लगा पाएगी ज्यादा, राइट, नहीं लगा पाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए जिसके पास अच्छा खासा रिजर्व है अभी, वो कंपनी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम कर सकती है। तो इन चीजों को आप देखिए कौन सी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है जो एक्सपीरियंस है, साथ में उनके पास अच्छा केपेक्स है कि वो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका फायदा उठा पाए। आते हैं अगले आर्टिकल पे, वॉलमार्ट टर्न्स टू इंडिया फ्रॉम चाइना फॉर चीपर इम्पोर्ट्स टू यूएस। So 60% of shipments came from China in January August versus 80 in 2018. तो वॉलमार्ट के 18% shipment 2018 में चाइना से आ रही थी और अब 60% आ रही है। Of course, majority तो अभी भी चाइना से ही इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है डिक्लाइनिंग ट्रेंड, राइट, ये जा रहा है नीचे। और इंडिया इंडिया का जो ट्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं ग्रोथ। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही इंप्रेसिव फीट है ये या कुछ, बट जो ट्रेंड है ये कैसे कब बदल जाए आपको नहीं पता, और ये एक बार बदल जाए तो यहाँ पे हो सकता है जो ये ट्रेंड है ये भी कंटिन्यू रहे और ये ट्रेंड है ये भी कंटिन्यू रहे और हम इनके सबसे बड़े सोर्स बन जाएं। तो वॉलमार्ट इंपोर्ट कर रहा है और पहले से और ज्यादा गुड्स यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम इंडिया, रिड्यूसिंग इट्स रिलायंस अपॉन चाइना। वो कॉस्ट कट करना चाह रहा है, डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है सप्लाई चेन को। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी, बिजनेस में भी और इन्वेस्टमेंट्स में भी। तो दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट रिटेलर है यहां पर अगर आप देखें, इसने 1/4 ऑफ इट्स यूएस इंपोर्ट जो है ये इंपोर्ट किया है इंडिया से बिटवीन जनवरी एंड अगस्त दिस ईयर, 1/4 बेसिकली 25%। और यहां पे अगर आप देखें ये जो था ये था सिर्फ 2% 2018 में, तो चाइना का 80% से 60% आया और इंडिया 2% से 2018 की यहां बात हो रही है। यहां इस फिगर को ध्यान रखिएगा, 2018 में था ये, अब आ गया है 25% पे,
ट्रिमेंडस ग्रोथ, परसेंटेज के टर्म्स में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, आप कर नहीं सकते, करीब करीब 12 से 12.5 गुना की यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है। और चाइना से कैसे इंपोर्ट्स अगर आप देखें तो ये डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट जो है ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे जो राइजिंग कॉस्ट है चाइना से इंपोर्ट करने का और एस्केलेटिंग पॉलिटिकल टेंशंस हैं बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग, इसके वजह से लार्ज यूएस कंपनीज ये दूसरी कंट्रीज से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, जैसे कि इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो हम ऑफकोर्स ये नहीं कह रहे कि इंडिया इतना अच्छा कर रहा है कि बिल्कुल चाइना को बीट ही कर दिया हमने, हम ये कह रहे हैं कि चाइना भी कुछ अच्छी लॉजिकल चीजें नहीं कर रहा है, यूएस से रिलेशंस खराब हैं और इस तरीके की पॉलिसीज ला रहा है अपनी कंट्री में जिससे कि बिजनेसेस डर रहे हैं और भाग रहे हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें प्रिपेयर रहे अगर हम लोग तो बहुत फायदा उठा सकते हैं, और इंडिया एटलीस्ट इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाने के लिए प्रिपेयर्ड है इस वक्त, और इसीलिए हमें इतनी सारी डील्स मिल रही हैं यहाँ पे। तो उनका कहना है वी वांट द बेस्ट प्राइसेस, वॉलमार्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, ठीक है। दैट मींस उन्हें रेजिलियंसी चाहिए सप्लाई चेन में, प्रॉपर शिपमेंट हो, शिपिंग हो, टाइमली हो, इनमें कोई इन्हें दिक्कत नहीं चाहिए, और वो एक ही सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते या फिर एक ही जियोग्राफी पे अपने प्रोडक्ट के लिए। तो क्योंकि ऑफ कोर्स इन्हें काफी चीजें मैनेज करनी होती है, हरिकेन से लेके अर्थक्वेक से लेके शॉर्टेज इन रॉ मटेरियल, सारे ये मुसीबतें फेस करते ही रहते हैं। और तो इनका कहना है इंडिया इट हैज इमर्ज्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ वॉलमार्ट्स एफर्ट टू बिल्ड दैट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एंड इंडिया जो है यहाँ पे वॉलमार्ट का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्या है वो आप बताएंगे मुझे कि इंडिया में वॉलमार्ट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है कमेंट सेक्शन में। तो वॉलमार्ट ये जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है ग्रोथ इंडिया में सिंस 2018 जब इसने 77% स्टेक लिया इंडियन ई कॉमर्स फर्म में। टू इयर्स लेटर कमिटेड टू इंपोर्ट $10 billion वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया ईच ईयर बाय 2017। तो देखिए यहाँ से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया न्यूज है, और जो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। सो लेट्स सी क्या इंडिया इस चीज को कंटिन्यू रख पाता है, अपनी जो इमेज इसने बनाई है स्पेशली इंडिया ने इन लोगों के दिमाग में, और ऑफकोर्स ये खाली इमेज देखकर नहीं आएंगे जब तक इन्हें फायदा नहीं हो रहा होगा, ये कंपनी जब तक इनका फायदा ना हो ये कोई डिसीजन नहीं लेती है, ना ही कोई कंट्री लेती है। तो यहाँ पे उन्हें इंडिया में जरूर फायदा दिखना चाहिए, चाहे कॉस्ट के बारे में हो या स्टेबिलिटी के बारे में हो, वहां पे नजर जरूर आना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।